हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैं साथ हूं इमरान खान के। तरीके इंसाफ जीतेगी। मैंने कहा ये बच्चों वाली बातें हैं। ये वक्त आपके हाथ मजबूत करने का है। लगता है अपने ही घर वापस आ गया हूं। पंजाब हाउस में जावेद हाशमी की नवाज शरीफ से गुफ्तगु। मरियम नवाज ने पंजाब हाउस आमद पर नून लीग में खुश आमदीद के अल्फाज कहकर जावेद हाशमी का इस्तकबाल किया। जावेद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के एक ऐसे नजरियाती साथी हैं जो भले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके अफकार और ख्यालात से पीएमएलएन और उसकी क्यादत इत्तफाक करती है। ख्वाजा साद रफीक ने जावेद हाशमी को सीनियर नजरियाती साथी करार दे दिया। कहा, हाशमी साहब नून लीग में शामिल नहीं हुए, जिद्दोजहद मिलकर करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। नवाज शरीफ की जेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सोच विचार। वजीर आजम पाकिस्तान और आजाद कश्मीर, चौधरी निसार और दीगर शरीक। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली पर बात हुई। जफरुल्ला जमाली और रजा हयात के खिलाफ इंजिबाती कार्रवाई का फैसला हुआ। जावेद हाशमी को पार्टी ना छोड़ने का मशवरा दिया था, उन्हें भगाने में एक लीगी रहनुमा का हाथ था। आजकल वो शख्सियत खुद साइडलाइन पर हो गई। हाशमी नवाज मुलाकात पर खुर्शीद शाह का तबसरा। मुझे लगता है कि इमरान खान के फैसले में और जागीरदारी के फैसले में भी मुझे ही नाइल किया जाएगा। लगता है इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस में भी मुझे ही नाअहल किया जाएगा। नवाज शरीफ का सहाफी के सवाल पर शगुफ्ता जवाब। तीन दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा है और अभी वो और क्या चाहता है सियासत में। इस मुल्क की जम्हूरियत के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर होगा। नवाज शरीफ तीन बार वजीर आजम बन चुके, अब और क्या चाहते हैं। उन्हें सियासत से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा, कल तारीखी जलसा होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस यकजा नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने का हुक्म। एहतसाब अदालत में वक्फे के बाद शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ अदालत में फिर पेश। निजी बैंक के ब्रांच मैनेजर का बयान रिकॉर्ड। लूटमार नून लीग की जमहूरियत है। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, लोड शेडिंग खत्म करने का हुकूमती दावा सफेद झूठ है। शफकत महमूद कहते हैं नवाज शरीफ का नजरिया जायदादें बनाना है। हम जल्द इंतखाबात चाहते हैं। का मुतालबा लिए अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस के एक रोज दौरा पर इस्लामाबाद आमद। वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी क्यादत भी अपना मौकिफ दो टोक अंदाज में पेश करने के लिए तैयार।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को मुआहदे की तौसीक ना करने का हुक्म। समझौते की एक भी शिक कानून के मुताबिक नहीं। रियासत ने धरने वालों के सामने घुटने टेक दिए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरहम, कहा जख्मी पुलिस वालों की दाद रसी तक मुकदमा खत्म नहीं होगा। इंतजामिया मसाजिद और मदारिस से कुफर के फतवे बंद करा के एहसान करें।